दोस्तों मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो इस वाला आप फ्लैग नाम के झंडा आप अपने नाम से आप वीडियो कैसे बना सकते हो इसी तरीका बनाने के लिए देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे। इस तरह से आप कोई भी आप फोटो को आप बना सकते हो अपने नाम वाला आप बना सकते हो। इस फोटो के साथ आप अपना झंडा बना सकते हो अपने नाम का भी झंडा बना सकते हो और आप इंस्टाग्राम पे आप वायरल भी हो सकते हो रील्स बनाकर। इसी तरीका बनाने के लिए आप इंस्टाग्राम से रील्स वायरल करके आप पैसे भी इंस्टाग्राम से कमा सकते हो। आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे स्क्रॉल करते समय ये वाला झंडा बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा था। हम लोग आज बनाने के लिए सीखेंगे किस तरह से यहाँ पे हम लोग बनाएंगे, तो देख सकते हो मेरे स्क्रीन पर इस तरह से झंडा बनाने के लिए हम लोग आज सीखेंगे। चलते डायरेक्ट वीडियो को स्टार्ट करते, चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो सबसे पहले पिक्सल ऐप को ओपन करना, पिक्सल ऐप को ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस खुलने को इस तरह से दिखेगा मेरा स्क्रीन पे देख सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो थ्री डॉट, सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करना। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद इमेज साइज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टम पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे YouTube थंबनेल सेलेक्ट करना है, ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस वाले न्यू टेक्स्ट को हटा देना। हटाने के बाद आपको यहाँ पे कोई एक यहाँ पे बैकग्राउंड लेना, देख सकते हो यहाँ पे चौथा नंबर पर आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, उस वाला आइकन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कलर पर क्लिक करना। कलर पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जिस भी कलर को आपको बनाना चाहते हैं सिंपली उस कलर को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। कलर को यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हैं मेरे स्क्रीन पे, इस तरह से आपको कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप जिस भी नाम से आप बनाना चाहते हो सिंपली उस नाम को आपको लिखने के बाद ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाते हैं फॉन्ट, सिंपली फॉन्ट पर क्लिक करना है। फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद माई फॉन्ट पर क्लिक करना है। माई फॉन्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जिस भी फॉन्ट को ऐड किए होंगे फॉन्ट यहाँ पे मिल जाएगा। देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे इस तरह से यहाँ पे फॉन्ट मिल जाएगा। और आप यहाँ पे किस तरह से फॉन्ट को डाउनलोड कर सकते हो वो भी बताऊंगा इस वीडियो में, तो लास्ट तक जुड़े रहिए। उसके बाद आपको यहाँ पे ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे सिंपली यहाँ पे इस तरह से आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद आपको इस कलर को आपको यहाँ पे ब्लैक कर देना। देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे इस तरह से आप यहाँ पे कलर का आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इस कलर को आपको ब्लैक करना। ब्लैक करने के बाद देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे इस तरह से इंटरफेस खुलने को आप यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना। प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद गैलरी में क्लिक करना। गैलरी में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कोई एक किंग का पीएनजी डाउनलोड करना है। क्रोम ब्राउज़र कर सकते हो। किंग पीएनजी को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग से। आपको यहाँ पे एडजस्ट करना देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे सिंपली इस टाइप से आपको यहाँ पे एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आप जिस भी नाम लिखे थे जिस पर नाम लिखे थे सिंपली उसको आपको कॉपी करना। कॉपी करने के बाद आपको फिर से यहाँ पे एडिट करना है, उसी नाम को एडिट करना है। एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे एबी पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे दूसरा फॉन्ट लेना है। देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे अपना अकॉर्डिंग यहाँ पे एडजस्ट करना। एडजस्ट करने के बाद देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे पूरी तरह से इतना हो चुका। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाते हैं शेयर का बटन। सिंपली शेयर के बटन पर क्लिक करने के बाद सेव टू गैलरी कर देना। यहाँ पे आपकी गैलरी में ये फोटो आपको सेव हो जाने के बाद अपने ब्राउजर पे आना। अपने मोबाइल के फोन पर ब्राउजर पे आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है द फॉन्ट। द फॉन्ट सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इस वाले को आप यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस फॉन्ट वाले पेज पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे इस वाले फॉन्ट को डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ पे फाइल मैनेजर पे जाकर एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप वहाँ पे जाके पिक्सल ऐप पे अपना फॉन्ट ऐड कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल यहाँ पे बैक आ जाना। बैक आने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना फ्लैग वेबर। आपको यहाँ पे सर्च करना फ्लैग वेबर। सर्च करने के बाद आपको फर्स्ट पेज वाले पर क्लिक करना। फर्स्ट वाले पेज पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो इसका इंटरफेस खुलने को इस तरह से दिखेगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो फाइल, सिंपली फाइल के आइकन पर क्लिक करना। फाइल के आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मिल जाता है गैलरी। गैलरी से आप जो फोटो को आपको यहाँ पिक्सल ऐप पर जो फोटो को एडिट कर रहे थे सिंपली उस फोटो को आप यहाँ पे सिलेक्ट करना। सिलेक्ट करने के बाद देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे यहाँ पूरी तरह से यहाँ पे लग चुका है देख सकते हो। बाद आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे थ्री डॉट, सिंपली थ्री डॉट पर क्लिक करना। थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे एडजस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट करने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद आपको नीचे आना। नीचे आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो विंड कंट्रोल। आप यहाँ पे सिंपल यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो। आप जिस भी डायरेक्शन में रखना चाहते हो सिंपली उस डायरेक्शन में आप यहाँ पे रख सकते हो। इसको रखने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो आप जिस भी यहाँ पे मीटर आप जिस भी स्पीड को आप लगाना चाहते हो सिंपली उसको लगा सकते हो। उसके बाद नीचे आना। नीचे आने के बाद आपको बैकग्राउंड को इसको आप चेंज कर सकते हो। देख सकते हो नेट कलर आप कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाते हैं स्काई ब्लू, स्काई फ्रंट चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे कस्टम मिल जाते हैं ब्लैक। आपको जिस भी आप लगाना चाहते हो जिस बैकग्राउंड को लगाना चाहते हो सिंपली आप बैकग्राउंड को लगा सकते हो। आपको यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस मिल जाते हैं एडिट करने के लिए। अपना अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हो एडिट कर सकते हो। इसी तरीके एडिट करने के लिए देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे इस तरह से आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद एडिट करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा तो यहाँ पे अपने मोबाइल फोन के स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना। अपने मोबाइल फोन से यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है। कुछ सेकंड यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाने के बाद इंसर्ट ऐप को ओपन करना। इंसर्ट ऐप को ओपन करने के बाद इंटरफेस खुलने को इस तरह से दिखेगा। उसके बाद वीडियो पर क्लिक करना। वीडियो पर क्लिक करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग किए थे सिंपली उस स्क्रीन रिकॉर्डिंग को सिलेक्ट करना। ओके पर क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे देख मिल जाते हैं यहाँ पे क्रॉप। सिंपली आप जिस भी रेशो में लगाना चाहते हैं सिंपली उस रेशो को आपको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको कर मिल जाते हैं क्रॉप। सिंपली क्रॉप पर क्लिक करना। क्रॉप पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे कट लगाना। देख सकते हो यहाँ पे कट लगाने के बाद यहाँ पे एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग।
यहाँ पे एडजस्ट करने के बाद देख सकते हैं यहाँ पे विटर मार्क सिंपली हटाना है, इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिमूव पर क्लिक करना है, इजीली हट जाएगा। देख सकते हो मेरा स्क्रीन पे पूरी तरह से यहाँ पे वीडियो बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हो अपने नाम वाला झंडा आप लगा सकते हो इसी तरीके, आप जिस भी आप इमेज को लगाना चाहते हो सिंपली उस तरह से आप यहाँ पे लगा कर इंस्टाग्राम पे वायरल कर सकते हो। तो देख सकते हो उसके बाद यहाँ पे सेव आइकन मिल जाते हैं, सिंपली आप जिस भी रेशियो में सेव करना चाहते हो सिंपली सेव पर क्लिक करने के बाद आपको गैलरी में यहाँ पे पूरी तरह से वीडियो सेव हो जाएंगे।